श्रीकाल मॉम किचन में आपका सबका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मूंग दाल सूजी के पफ। आपने वैसे पफ तो आलू पफ खाया ही होगा, लेकिन ये जो सूजी का पफ है, ये सूजी और मूंग की दाल का पफ है जो आप पहली बार खाएंगे। और चलिए हम इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मूंग की दाल का जो हम मसाला बनाने जाएंगे, सबसे पहले इसका मसाला हम तैयार करेंगे। ये मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, इसको पहले से उबाल के रख दिया अच्छे से, और ये एकदम ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, ठीक ठीक इसको मैंने करके रखा है। अब हम इस मसाले को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम प्याज काटते हैं। प्याज इसमें बिल्कुल बारीक कटना चाहिए। प्याज जैसे हम जब भी काटते हैं इसको दो हिस्से में ऐसे कर देते हैं, ये इसको ऐसा नहीं काट के, इससे प्याज बराबर नहीं कटता। इस प्याज को हमको तीन हिस्सों में काटना है इस तरह से, तो ये प्याज एकदम बारीक कटेगा, बिल्कुल आपको बारीक का प्याज इसमें कटेगा। ये देखिए, अगर दो हिस्से में प्याज काटते बारीक नहीं कटता, ये एकदम प्याज एकदम बिल्कुल बारीक प्याज कटता है, और यही प्याज हमको बारीक इसमें चाहिए। ये हमारा प्याज काट के तैयार हो गया, एकदम बारीक वाला कटा है, ये देखिए। चलिए अब हम बनाते हैं हमारा मूंग दाल का ये मसाला। ये मैंने सबसे पहले चूल्हे को लगाया है, ये दो चम्मच तेल डाल दिया है। ध्यान रहे दाल को ज़्यादा हिलाना नहीं है, एकदम गलनी नहीं चाहिए दाल। मैं बॉईल भी किया है, थोड़ा सा मैंने इसको कड़क भी रखा है। चलिए ये हमारा तेल हो गया है, इसमें हम मसाला प्याज डालते हैं। ये हमारा सबसे पहले प्याज को अच्छे से भूनना है इसमें, वो सारा दो मैंने छोटे प्याज जो बारीक काट के लिए। अच्छे से भूनना है, ये मेरा प्याज देखिए भुन गया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका। अब मैं ये दाल जो है इसमें डाल दूंगी। धीरे धीरे हिलाना है इसको, ज़्यादा तेज नहीं हिलाना है। ये मेरी दाल डाल दी है, अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। सबसे पहले मैं नमक डालती हूँ। नमक मैं डेढ़ चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने दाल बॉईल करने में भी डाली है। आप और भी आप अपने हिसाब से और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा ही डाला है, पहले डाल दिया था। अब सौंफ डालनी है बहुत सारी, इसमें ये सौंफ डाल दी मैंने। ये ज़ीरा डाला थोड़ा, ये चाट मसाला। और दाल जब हम बॉईल करते हैं, दाल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए। हल्दी डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो मैंने हल्दी पहले डाल दी, अब नहीं डालूंगी इसमें। तो थोड़ी सी लाल मिर्च है आधा चम्मच, फिर आधा चम्मच लाल मिर्च, और ये धनिया, और दो मिर्ची काट के रखी बारीक, हरी मिर्ची है बारीक काट के रखी, और इसके साथ ये भी हम इसके साथ डाल देंगे। चलिए हमारा मसाला अच्छे से बन गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, चूल्हे को बंद कर दिया मैंने, इसको अच्छे से हिला के रखना है। बहुत ही अच्छा सूजी पॉप बनेगा ये। चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक बड़ी कटोरी सूजी लिया है, और आधी कटोरी मैंने दही लिया है। इसको पहले ही मैंने दोनों को मिक्स करके 15 मिनट पहले रखना है, इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, 15 मिनट पहले रखना, और इसी तरह जाड़ा रखना, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसमें, क्योंकि नहीं तो हमारा पफ बराबर नहीं बनेगा। ये मेरा सूजी और दही का घोल तैयार है। इसमें भी थोड़ा सा नमक डालूँगी, एक चम्मच नमक डाल दिया, और थोड़ा सा खाने का सोडा है ये मैं डालूंगी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये आधा चम्मच इतनी लाल मिर्ची डालेंगे इसमें। ये मेरा सूजी का अच्छे से घोल तैयार हो गया है, और ये मैंने सैंडविच मेकर लिया है। आपके पास अगर हैंडल वाला सैंडविच मेकर है वो भी चलेगा, या फिर ग्रिल मेकर है वो भी इसमें चलेगा। मैंने इसमें चारों तरफ तेल लगा दिया है। अब हम अपना पफ बनाते हैं। ये घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना जाड़ा रहना चाहिए। अब पहले मैं
थोड़ा 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 सा डालूंगी इसमें, बिल्कुल कम, बहुत ही कम डाला है क्योंकि अभी मसाला डाल के फिर डालना है हमें। अब हम मसाला डालेंगे हमारा इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, इसका अंदर आराम से डालना है। ये सबके अंदर धीरे धीरे, ये मैंने दाल का जो मसाला तैयार किया, मूंग की दाल का, मूंग की दाल छिलके वाली लेनी है, और ये थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के सब में मैंने ये डालूंगी इसमें। और फिर ऊपर से वापस से एक बार ये सूजी का जो अपन ने घोल तैयार किया है वो डालेंगे, कवर करना है पूरा मसाला हमें, इस तरह से पूरा मसाला कवर हो गया है सब में, इसी तरह से पूरा मसाला कवर करना है, बिल्कुल भी मसाला दिखना नहीं चाहिए। सब तरफ से इस तरह से मैं डाल दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल भी मसाला हमें दिखना नहीं चाहिए। ये मैंने सूजी के गोल से वापस इसको अच्छे से कवर कर लिया है। बिल्कुल मसाला नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसको हम बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल बंद कर दिया इसको, अब होने देंगे इसको। चलिए हमारे पप बन के तैयार हो गए, इनको देखते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल हमारे पफ बिल्कुल तैयार हो गए, रेडी एकदम। ये देखिए दोनों तरफ से बन गया है, ये देखिए ये तैयार हो गए बिल्कुल दोनों तरफ से, बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए ये हमारा सूजी पफ तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसकी जो भी सामग्री चाहिए हमारे घर में रहती है, और कभी भी जब भी आपका मन चाहे अच्छा चटपटा खाने का तो जल्दी से, ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, ये हमारा पफ तैयार है। चलिए इसको सर्व करिए, करते हैं हम। ये मैंने धनिया की चटनी ये भी दही के साथ बनाई है, इसके साथ दही की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। धनिया, हरी मिर्ची और दही के साथ ये चटनी बनाई है, और ये हमारा पफ रेडी है। लीजिए ये सूजी पफ, सूजी मूंग दाल पफ।